थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? कमाल करते हो यार हैं? तू आगे तक छोड़ने की बात कर रहा है, मैं तो तेरे को यहीं पे छोड़ दूं। अरे साहब आप तो मजाक कर रहे हो। मजाक तो तू कर रहा है, हाथ दे के रुकवा लिया, क्यों टैक्सी समझ रखा है इसको? तेरे लिए लेके आया हूँ मैं। अरे साहब देखो धूप कितनी है, थोड़ा आगे तक छोड़ देते ना तो गरीब का भला हो जाता साहब। अबे साले बाईपास वाली जमीन इसीलिए बेची थी क्या साहब ने कि तुम जैसे लोगों का भला कर सके? और छोड़े भी तुमको भलाई तुम्हारा होगा तो हमको क्या मिलेगा भाई? ये भी तो देखो बेटा, ये गाड़ी आसीस से नहीं चलती, इसमें तेल डलता है। बाय द वे तेरे को बैठा भी लिया तो तेरे को तो कल को आदत लग जाएगी। तेरे जैसे मामूली इंसान को इस गाड़ी में बैठने की आदत लग गई ना, फिर तू मजदूरी नहीं कर पाएगा कहीं पे। तेरे घर वाले बोलेंगे इसको किसने बिगाड़ दिया, वो बद्दुआ देंगे, वो बद्दुआ मेरे को लगेगी, आसीस वापस तेरे पास में आ जाएगी, मेरे पास में क्या बचा बता। अरे साहब आप जैसे जवान आदमी ऐसा बोलेंगे तो फिर इस गरीब का भला कौन करेगा साहब? अच्छा चल तूने जवानी बोल दिया तो फिर बैठ जा, तू भी क्या याद रखेगा कोई रईस मिला था तेरे को। बिठा ले इसको, खोल फाटक। धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत। अरे कोई बात नहीं भाई, साले बीड़ी पी रखी है तूने? हाँ साहब। शीशा खोल बाहर निकाल ले मुंह, जब तक तुझे नीचे नहीं उतारे ना बाहर ही रखना मुंह। हाँ साला। अरे इससे अच्छा तो तू वाइन पी लेता रे, कम से कम गाड़ी की इज्जत तो रहती। ये रखिए बीड़ी। भाई पूरा उतर जा, बाहर उतर जा, आ गया। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। ठीक है तो किसी को बोलना मत हमने बिठा के लाए, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मेरा सामान तो उस गाड़ी में ही रह गया, किसकी थी वो पता करता हूँ अभी दुकान से। अभी अभी वो एक काली सी गाड़ी गए थे, उनको जानते होगे आप उनका घर कहाँ है? हाँ यही सेकंड वाली गली में तीसरा घर। ठीक है साहब ठीक है, गाड़ी तो यही है, अंदर ही होंगे देखता हूँ। हाँ मेरे साथ में रहोगे तो ऐसे ऐश करोगे, मूफली खाओगे, लोगों को बिदाम बताओगे, आज रसगुल्ले खा रहे हो कल तुम्हें गुलाब जामुन मिलेंगे, जलेबी मिलेगी। चलो भाई पूरे हो गए। मालिक मेरा सामान रह गया था। अरे कौन सा सामान रह गया तेरा, बीड़ी की बदबू कहाँ पे है, क्या सामान था तेरा बता मेरे को। अरे मालिक वो जो मेरे कंधे पे था ना एक टीन पिंपा, वो रह गया था आपकी गाड़ी में। अच्छा तो ये जो टिन दिख रहा है ये तेरा है? हाँ। तू भूल गया था गाड़ी में, तो तेरे को भूलना नहीं चाहिए ना, हर भूल सजा मांगती है मेरे भाई, और इसमें तो सजा तो देने लायक क्या बात है, गलती से इसमें रसगुल्ले थे वो तो हम सब ने खा लिए, वैसे हम किसी गरीब की आत्मा को दुखाना भी नहीं चाहते। अपना पेमेंट बता दो भाई, दे देंगे और तो क्या। क्यों भाई पंकु पैसे ले लो भाई। हाँ पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, खाली हमने तो भाई खाली भाई था, मैंने सोचा रह गया होगा तू काहे काहेगा, ये तो तू आ गया, माफी चाहते भाई। पैसे बता दे बता। अरे सर पैसे की क्या बात है, मेरे बच्चों ने खाए आपने खा लिए की बात है, मेरे भी कौन से पैसे लग के आए थे। पैसे नहीं लगे क्या भाई, को चोर चोर है क्या, शकल से तो नहीं लगते हो भाई, या कोई खुद की फैक्ट्री है, मामला क्या है? फैक्ट्री वाला तो मेरे को नहीं लग रहा, पैसे कैसे नहीं लगे, को चोर के लाया होगा तू, अंदर करवा दूंगा मैं, सोच लेना मेरी कितनी जानकारी है। अरे साहब नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ साहब, ना मेरी फैक्ट्री, मेरा तो ये रोज का काम है, मैं तो रोज लेके आता हूँ साहब, कल और ले आऊंगा, एक दिन नहीं बच्चे खाएंगे तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा। अच्छा तेरा रोज का काम है, चोरी तू करता नहीं, फैक्ट्री तुम्हारे पास में है नहीं, अबे कहीं पे रसगुल्लों का पेड़ लगा है क्या, तब तो हमें भी बता, हम भी चारों तोड़ के ले आए। अरे साहब कोई पेड़ वेड़ नहीं है साहब, मैं तो शादियों में काम करता हूँ साहब, जूठे बर्तन साफ करता हूँ, तो उनमें जो रह जाता है वो इकट्ठा कर लेता हूँ बच्चों के लिए, गरीब आदमी हूँ ना साहब। हजार बार बोला किसी गरीब को मत सताया करो।
राम गौरव तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए ना, कौन आदमी है, किस टाइप का आदमी है। नीचे नीचे के मेरे मुंह में धाप रहे थे राम, कुत्ता सब मेरे कार्यकर्ता ऐसे बाहर निकल जाओ। को बीड़ी की बदबू आ रही थी, अभी खाएंगे जूठे रसगुल्ले करते रहो उल्टी।